नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेई एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों मैं जो है अभी फ़िलहाल बेंगलुरु में हूँ और बेंगलुरु एग्जाम के सिलसिले में आया था। और स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आया तो करीब 4:30 बजे के करीब मैं यहाँ बेंगलुरु उतरा था। बेंगलुरु उतरने के बाद जो है मुझे जो है ना होटल्स वगैरह मैंने पता किया कि होटल्स वगैरह कहीं रूम ठहरने के लिए मिल सकता है, तो मिला तो जल्दी नहीं, लेकिन जो है ना और मिल भी रहा था तो बड़े महंगे महंगे रेट थे उसके, 1000 रुपये पर नाइट ले रहा था। मैं यहाँ जो है ऑटो वाले से भी बात कर रहा था कि भैया कोई आसपास अगर होटल्स वगैरह है जहाँ रुकने की ठहरने की व्यवस्था है या लॉज वगैरह है तो आप बता दो प्लीज़। तो वो भी बता रहे थे कि यहाँ से 20 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर की दूरी पे है लॉज, बड़ा महंगा बता रहे थे वो भी 700-800 के करीब बता रहे थे पर नाइट का। तो मैं आपको दोस्तों सजेस्ट यही करूँगा कि आप जब भी अगर बेंगलुरु आएँ तो बेंगलुरु का जो KSR रेलवे स्टेशन जो है बेंगलुरु का, आप वहाँ उतरें, और वहाँ उतरने के बाद जो है वो जो स्टेशन है उसके फर्स्ट फ्लोर पे ही आपको जो है ना रिटायरिंग रूम की सुविधा मिल जाती है। अगर आप IRCTC से रिटायरिंग रूम बुक करते हो तो अभी जो कोरोना काल का वक्त चल रहा है अभी सारा मैक्सिमम स्टेशन पे जो है ना रिटायरिंग रूम की व्यवस्था जो है सस्पेंड कर दी गई है, लेकिन आपको ऑफलाइन जो है ऑफलाइन रिटायरिंग रूम की सुविधा है यहाँ पे बेंगलुरु में, अगर आप बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पे उतरते हो। ठीक है, यहाँ का जो रिटायरिंग रूम मुझे लगा डोरमेट्री बहुत अच्छा था। ठीक है, सेपरेट जो है हर एक सेक्शन को सेपरेट किया गया था, एक हॉल था उसमें हर एक सेक्शन जो है ना जो बेड लगे हुए थे सबको सेपरेट किया हुआ था, जैसे ऑफिस टाइप होता है ना ठीक वैसा ही किया था, जैसे कैबिन बना होता है वैसे ही हर एक को कैबिन में डिवाइड कर दिया था, और डिवाइड करने के बाद एक जो है ना पर्दा दे दिया था उस पर, तो बहुत अच्छा था वो। और यहाँ जो नहाने वगैरह की जो व्यवस्था थी, टॉयलेट वगैरह जो थे वो भी बहुत अच्छे थे, साफ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया था यहाँ पे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी अगर बेंगलुरु आओ, किसी भी काम से अगर बेंगलुरु आते हो और आप उतना पैसा एफोर्ड नहीं कर सकते जो है एकोमोडेशन में रहने के लिए, तो आप मेरे हिसाब से जो है आप जो है रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हो IRCTC का, वो बहुत सस्ता पड़ जाएगा, वो आपको बेसिकली 12 घंटे का वो 170 रुपये के करीब लेगा, तो 170 रुपये में वो 12 घंटे आपको रहने देगा। मैं यहाँ पे जो है 36 आवर स्पेंड मैंने यहाँ किया, और 36 आवर में मैंने जो पे किया उनको वो पे किया 450 रुपये प्लस, पहली बार जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि शायद मुझे यहाँ पे रूम नहीं मिलेगा और मुझे स्टेशन पे ही रहना पड़ेगा, लेकिन जो है मैंने सर्च किया, लोगों से यहाँ पे पूछा तो उन्होंने बताया कि जो है ना रिटायरिंग रूम आपको मिल जाएगा, और ये KSR बेंगलुरु आपको जाना पड़ेगा। मैं उससे एक स्टेशन पहले ही उतर गया था, तो मैं फिर KSR बेंगलुरु गया और वहाँ जो है वहाँ मैंने पता किया, तो वहाँ पता चला कि हाँ रिटायरिंग रूम की व्यवस्था है यहाँ पे, तो मैं गया और जो है रिटायरिंग रूम जो है ना ऑफलाइन की व्यवस्था थी, ऑफलाइन से ही रिटायरिंग रूम को बुक कर रहे थे, तो फिर मैंने भी बुक किया ऑफलाइन, फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है ID कार्ड उसको दिया, ID कार्ड के बाद जो है वो सारा प्रोसेस हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझे एक की हैंड ओवर किया चाबी, और फिर जो है चाबी देने के बाद मुझे रूम दिखा दिया कि आपका ये रूम है और आप इसमें जो है रह सकते हो, तो रूम बहुत अच्छा लगा था मुझे। और तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी यहाँ आओ तो जो है ना IRCTC की तरफ एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि
कम पैसे में वो सुविधा जो है ना बहुत अच्छी सुविधा देती है, ठीक है। बाकी जो है सब लूटने वाले होते हैं यहाँ पे, और मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप पहली बार यहाँ शहर में आ रहे हो, इस शहर में बेंगलुरु के, तो लूटने वाले भी आपको वैसे ही मिलेंगे। ये हर जगह की बात होती है, बहुत सारे लोग लूटने वाले होते हैं और बहुत सपोर्टिव भी होते हैं, लेकिन आपको उन सबसे बचना है और बच के अपना ख्याल खुद रखना है। और बाकी रूम के लिए मैंने आपको जितनी जानकारी थी वो लगभग प्रोवाइड मैंने करा दी है। और अगर आप यहाँ बस की सुविधा लेना चाहते हो कर्नाटक में तो यहाँ जो है आपको बस मिल जाएगी, बस का पास मिल जाएगा। जैसे दिल्ली में, हमारे दिल्ली में बस वन डे वाला पास जो बनता है, एक दिन वाला पास, तो यहाँ भी वैसा ही ठीक एक दिन वाला पास बनेगा। दिल्ली में 50 रुपये का नॉन एसी वाला होता है, 40 रुपये वाला नॉन एसी का होता है, और एसी का 50। यहाँ जो है नॉन एसी था और 70 रुपये था उसका किराया, जो है 70 रुपये एक दिन का जो पास था वो 70 रुपये का करीब पड़ा मुझे, 70 रुपये का।